गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने आज एक जो बयान दिया वो चुनावी मोर्चे की सबसे बड़ी खबर है। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका की तरह भारत में भी इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, यानी विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगना चाहिए। पित्रोदा के मुताबिक अमेरिका में एक आदमी की मृत्यु के बाद उसके बेटे को उसकी पूरी संपत्ति नहीं मिलती, बल्कि उसका एक हिस्सा सरकार ले लेती, जो कि 55% तक होता है। भारत में ऐसी इसी तरीके से इसी तर्ज पर टैक्स होना चाहिए। अभी होना चाहिए या नहीं, ये कितना व्यवहारिक है और क्या ये राहुल गांधी के जो देश में संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे का जो फॉर्मूला है उसका हिस्सा है, इन सब सवालों को आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि पित्रोदा का ये बयान कैसे पीएम मोदी के लिए एक नया हथियार बन गया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीत परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस एकदम से जैसे बैकफुट पर आ गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सीक्रेट प्लान अचानक से सामने आ गया है जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या पित्रोदा का यह फॉर्मूला राहुल गांधी के उस क्रांतिकारी आइडिया का हिस्सा है जिसका जिक्र हैदराबाद में वो मैनिफेस्टो जारी करते वक्त कर रहे थे। देश में संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे का राहुल का आइडिया चाहे जो हो, उनके सर्वोच्च सलाहकार पित्रोदा का आइडिया भारत जैसे देश के संदर्भ में कैसे एकदम बोगस है, एकदम बोगस आइडिया है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना एक विदेशी अधकचरे आइडिया को भारत पर थोपने जैसा होगा। पहली बात तो यह कि अमेरिका में विरासत पर कोई फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें से सिर्फ 6 राज्यों में इस तरह का टैक्स है, और जिन 6 राज्यों में यह टैक्स है उनमें से न्यू जर्सी, मेरीलैंड, आयोवा और केंटुकी, यानी 6 में से 4 राज्यों में पति पत्नी, बच्चे, सौतेली संतान, माता पिता, दादा दादी, परदादा, पोते और परपोते को इस टैक्स से अलग रखा गया है। यानी कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद
उसके करीबी संबंधियों को अगर संपत्ति विरासत में मिलती है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होता है। यह उस देश का प्रावधान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह उस देश का प्रावधान है जहां परिवार का कॉन्सेप्ट भारत से बहुत हद तक अलग है, जहां पारिवारिक संबंध भारत की तरह न तो मजबूत होते हैं और न ही भावनात्मक होते हैं। ऐसा देश भी मानता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके सगे संबंधियों का स्वाभाविक हक होता है। फिर भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर मां बाप अपनी संतानों के लिए ही जीते मरते हैं, वहां आप उनकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहते हैं? कांग्रेस का आइडिया सिर्फ इसलिए गलत नहीं है कि अमेरिका और भारत का समाज और पारिवारिक ढांचा अलग अलग है। सैम पित्रोदा असल में फैक्चुअली भी गलत है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 2 राज्यों में करीबी संबंधियों पर भी विरासत वाला टैक्स लगता है, लेकिन वहां ये 55% नहीं है जैसा कि पित्रोदा कह रहे हैं कि 100 में से 55 वो रख लेते हैं और 45 बच्चों को दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। पेंसिल्वेनिया में ये 4.5% से लेके 12% के बीच है और नेब्रास्का में 11-15% है। लेकिन पित्रोदा क्या कह रहे हैं और पित्रोदा क्या चाहते हैं? पित्रोदा चाहते हैं कि भारत में मौत के बाद आदमी की ज्यादातर संपत्ति सरकार हड़प ले और उसे दूसरों में बांट दिया जाए। एक बात और, ये आइडिया भारत में पहले भी फ्लॉप हो चुका है। भारत में 1985 से पहले विरासत पर टैक्स लगाने का प्रावधान था, इसे स्टेट टैक्स कहा जाता था, लेकिन राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने की सरकार ने इसे खत्म कर दिया। और खत्म करते वक्त तब के वित्त मंत्री बीपी सिंह ने जो कारण बताए थे उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना किस हद तक अव्यवहारिक है। बीपी सिंह ने कहा था कि ये टैक्स अपने मकसद में नाकाम साबित हुआ है, इससे न तो संपत्ति में समान वितरण में मदद मिल रही है और न ही इससे पर्याप्त टैक्स आ रहा है। ज्यादातर स्टेट टैक्स कानूनी पचड़े में फंस जाते थे, कोर्ट कचहरी में फंस जाते थे और टैक्स से ज्यादा सरकार को उसे लागू कराने का खर्चा आ रहा था। इसकी वजह से लोग बेनामी संपत्तियां बनाने लग गए, क्योंकि अगर हमारे नाम पे रहेगा, हमारे जाने के बाद अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो इससे बेहतर है कि इसको किसी दूसरे के नाम पे कर लो, बच्चों को तो पता है वो अपना बाद में मैनेज कर लेंगे। तो एक तरफ सरकारें टैक्सेशन में पारदर्शिता लाना चाहती है और दूसरी तरफ कांग्रेस एक ऐसा टैक्स लाना चाहती है जिससे लोग अपनी संपत्ति और ज्यादा छिपाना शुरू कर दें। कांग्रेस को पता है कि उसका एक प्लान चुनाव में बैकफायर कर सकता है, इसीलिए पित्रोदा के बयान से कन्नी काटने का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस आइडिया पर बहुत दिनों से काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप खंगालिएगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने कई मौके पर इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने पर विचार किया। केंद्रीय मंत्री और फिर वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदंबरम ने मई 2011, नवंबर 2012 और फरवरी 2013 में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की वकालत की थी, लेकिन उस वक्त ये लागू नहीं हो पाया। इसीलिए पित्रोदा के बयान के बाद जयराम रमेश की ये सफाई गले नहीं उतरती कि उनका बयान निजी बयान है, कांग्रेस का नहीं। और जब प्रधानमंत्री ने अब इस मुद्दे को उठा लिया है तो कांग्रेस को तो अभी और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे।